हेलो फ्रेंड्स, मैं सिंह साहब फ्रॉम आईआईटी इंदौर आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं केमिकल काइनेटिक्स का पार्ट फोर। कौन सा पार्ट फोर? ठीक है, इससे पहले मैं पार्ट वन टू थ्री अच्छी तरीके से कंप्लीट करा चुका हूं। यदि आपने उनको नहीं देखा है तो पहले उनको देखिएगा, और ये वीडियो आपको तभी समझ में आएगा जब आपने पार्ट थ्री को देख रखा है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर का यूज करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं हमारा टॉपिक क्या है। टॉपिक है 4.4 सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ये बहुत छोटा सा टॉपिक है ना, तो बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। अब एक्चुअली इसका मतलब क्या होता है, ये सारी चीजें तो पता है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ये हम पढ़ चुके हैं, बट इसके आगे इन्होंने लगा दिया सूडो। क्या लगा दिया है? सूडो। ठीक है, इसका मतलब होता है झूठ, गलत, धोखा, मिथ्या, है ना। तो अब कहीं ना कहीं हमें कुछ रिएक्शंस दिख कुछ और रही होंगी, उसका ऑर्डर कुछ और दिखाई दे रहा होगा, बट उसका ऑर्डर कुछ और होगा, राइट। तो इसलिए कहीं ना कहीं हमारे साथ धोखा हो रहा होगा, रिएक्शंस धोखा दे रही होंगी, इसलिए इसको हम बोलते हैं सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, तो आप बताओ कितने लोगों के साथ रियल लाइफ में धोखा हुआ है, कमेंट करके बताइएगा। ओके, तो इसको स्टार्ट करने से पहले हमने पहले वीडियो में क्या पढ़ा था उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन देखी थी। जीरो ऑर्डर में जो डिफरेंशिएशन लॉ है वो हमारा कुछ इस तरीके से होता था, माइनस डी कंसेंट्रेशन ऑफ आर अपॉन डी टी इक्वल टू के बराबर होता था। फर्स्ट ऑर्डर में के कंसेंट्रेशन ऑफ आर की पावर 1 होता था। ठीक है, तो यहाँ पे इसका ऑर्डर क्या होता है, ऐसा कुछ आता है ना, यहाँ पे आर की पावर 0 होती है, क्या होगा, 0 ऑर्डर, इसकी वैल्यू 1 होती है, इसलिए यहाँ पे ये शो नहीं हो रहा था। चूंकि हमेशा स्लोप निकालना एक कॉम्प्लिकेट होता है, तो हमने क्या किया था, इंटीग्रेटेड लॉ निकाला था। जो इंटीग्रेटेड लॉ आता था वो कुछ इस तरीके से आता था, कंसंट्रेशन ऑफ आर इजकल टू माइनस के टी प्लस आर नॉट, और इसका जो इंटीग्रेटेड लॉ आता था वो इस तरीके से आता था, के इजकल टू 2.303 अपॉन टाइम लॉग कंसंट्रेशन ऑफ आर नॉट अपॉन आर। यहाँ पे आर इनिशियल होती थी और ये फाइनल होती थी। ठीक है, इसको दूसरे टर्म में आप कन्वर्ट करके इस तरीके से लिखते थे, टी टू माइनस टी वन आ जाता था यहाँ पे, और यहाँ पे आर वन अपॉन आर टू आ जाता था। और इसका जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म है वो कुछ इस तरीके से होता था, कंसंट्रेशन ऑफ आर इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ आर नॉट इनिशियल कंसंट्रेशन और ई की पावर माइनस के टी। हम ये फर्स्ट ऑर्डर की बात कर रहे हैं। अब यहाँ पर ये जो आया है इंटीग्रेटेड लॉ, तो फर्स्ट ऑर्डर में कुछ इस तरीके से आता था, एल एन आर इजक्वल टू माइनस के टी प्लस एल एन आर नॉट, इसका यूज करते थे हम ग्राफ बनाने के लिए। तो चूंकि ये आपको पता होना चाहिए, ग्राफ इसका कहीं ना कहीं पूछा जा सकता है, उसमें थोड़ा भी वो घुमा फिरा सकते हैं, तो ये पता होना चाहिए तभी आप ग्राफ बना सकते हो। ठीक है, और आपको मैंने बोला था कि हाफ लाइफ निकाली थी जीरो ऑर्डर की फर्स्ट ऑर्डर की, उसको याद करने के लिए बोला था। तो इसकी जीरो ऑर्डर की हाफ लाइफ क्या होती है, कंसंट्रेशन ऑफ आर नॉट अपॉन टू के, यानी कि इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन टू के, और फर्स्ट ऑर्डर की क्या होती है, एल एन टू अपॉन के, और एल एन टू की वैल्यू जो होती है वो भी पता होना चाहिए आपको, कितनी होती है, 0.693। ठीक है, तो इसका फाइनल टी आप कितना गया, एल एन टू अपॉन के या फिर 0.693 अपॉन के, यहाँ पर एक कॉन्स्टेंट है। अब यूनिट ऑफ के जीरो ऑर्डर की निकाली थी, तो वो कितनी आई थी, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, और इसकी कितनी आई थी फर्स्ट ऑर्डर की, सेकंड इनवर्स, ये पता होना चाहिए। जैसे ही कहीं पे भी आपको के की यूनिट दी है सेकंड इनवर्स, तो आप तुरंत पहचान लोगे कि वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। ठीक है, तो अगेन इन दोनों के जो इंटीग्रेटेड लॉ वो क्या है, आर इक्वल टू माइनस के टी प्लस आर नॉट इनिशियल कंसंट्रेशन और फाइनल कंसंट्रेशन, इधर क्या आ जाता है, एल एन आ जाता है। तो इससे हम क्या करते थे, ग्राफ बनाते थे। तो ग्राफ कैसे बनते थे, इस तरीके से। ठीक है, बाई एक्सेस पे हम ये वाली कंसंट्रेशन लेते थे और इधर स्लोप, सॉरी टाइम। ठीक है, एक्स एक्सिस पे क्या लेते थे, टाइम। तो ग्राफ है कुछ इस तरीके से आता था, जिसका स्लोप होता था माइनस के, और ये जो है इंटरसेप्ट पूरा वो कितना होता था, आर नॉट। ठीक है, और इधर सिंपली हम एल एन लगा देते थे, तो बाकी सारी सेम चीजें सेम रहती थी। तो ये थोड़ा सा समराइज किया है मैंने कि एग्जैक्टली हमने पिछले वीडियो में क्या देखा था। ठीक है, सिंपल है। तो अब हम चलते हैं सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पर कि एग्जैक्टली क्या होती है। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आपको पता चल गया कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है, इस तरीके से आर इजकल टू के आर की पावर 1। ठीक है, तो इनको क्या बोलते हैं, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, तो इसका ऑर्डर कितना है, 1, जिसका ऑर्डर 1 हो उसको बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो अब एग्जैक्टली क्या होता है कि एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, मान लो ये एग्जाम्पल लिया CH3CO CO 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 C
बन रही हैं। तो मान लो टाइम टी इक्वल टू जीरो पर इसके मोल थे 0.01 और इसके मोल कितने हैं 10 मोल, और इनिशियल क्योंकि रिएक्शन हुई ही नहीं है तो इनके 0.0 मोल। अब मान लो किसी टाइम पर ये पूरा रिएक्ट हो गया है ना, तो इसके 0 मोल और इस 10 मोल में से 0.0 बन गया तो इसके 9.9 मोल बचे, और इधर इसके प्रोडक्ट के कितने मोल हो गए 0.01 मोल। ठीक है, सिंपल भाषा में ये समझो कि यदि हम इसको बोले कि ये एक मोल है तो ये कितने होंगे 1000 मोल। ठीक है, अब यदि आप इसका रेट लॉ लिखना चाहते हो तो R इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ दिस CH3COO
C2H5 और इनटू कंसंट्रेशन ऑफ वाटर H2O। ठीक है, अब आपको पता है इनिशियल इसका एक मोल है तो इसके कितने मोल थे 1000, या फिर जो एनसीईआरटी में दिया इसके 0.01 मोल है तो इसके कितने मोल है 100। ठीक है, तो कंसंट्रेशन किसकी ज्यादा है, इसकी बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन है ये एक्सेस में, इसके कंपेरिजन में 1000 के कंपेरिजन में एक को देखो बहुत कम है ना, इसके कंपेरिजन इसको देखो बहुत कम है ना, नेग्लिजिबल है। अब चूंकि यदि आपने एक गिलास पानी लिया उसमें थोड़ा सा कुछ डाला राइट, बहुत छोटा सा, तो वो उसके कंपेरिजन में क्या है, नेग्लिजिबल है कि नहीं। तो अब यहां पर एक्सेस ऑफ वाटर है, पानी के अंदर कोई रिएक्शन हो रही है तो पानी की कंसंट्रेशन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, कोई ज्यादा चेंज नहीं होने वाला है। पहले 10 मोल थे, अब यहां 9.9 मोल हो गए और ये पूरा पूरा कंप्लीट चला गया। तो इसका जो रेट लॉ है वो एग्जैक्टली होता क्या है, अभी आपको देख के ये लग रहा है कि ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है, बट हकीकत में ऐसा नहीं है। यदि इसका आप रेट लॉ लिखना चाहो तो रेट इज इक्वल टू के डैश, मान लो कोई कॉन्स्टेंट, ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ दिस इनटू कंसंट्रेशन ऑफ वाटर, ठीक है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। यदि आप इसको देखोगे तो पावर वन पावर वन, तो ऑर्डर क्या जाएगा यहां पे 2, बट ऐसा नहीं है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। क्यों? क्योंकि इसका ऑर्डर 2 नहीं आता, इसका ऑर्डर 1 आता है। कैसे? क्योंकि ये जो है ना H2O एक्सेस में है, क्या है, एक्सेस में, ये कॉन्स्टेंट रहने वाली है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये पूरा खत्म हो जाएगा बट इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा पानी पर, है ना, तो कांस्टेंट रहने वाली है। तो K इज इक्वल टू K डैश कंसंट्रेशन ऑफ H2O, ठीक है, तो इसको हमने क्या कर दिया, K के बराबर कर दिया। क्यों? क्योंकि देखो ये तो कांस्टेंट पहले से ही है और कंसंट्रेशन ऑफ वाटर भी कांस्टेंट रहने वाली है। अगेन ध्यान दो कि इसको ये क्यों लिखा है ना, ये तो कांस्टेंट है और कंसंट्रेशन ऑफ वाटर भी कांस्टेंट रहने वाली है, तो ओवरऑल ये क्या हुआ, कांस्टेंट हुआ, है ना, तो ये हमारा, हमने इसको के बराबर लिख दिया। तो अब हमारा जो के है वो क्या है, के डैश कंसंट्रेशन ऑफ H2O, तो इसकी जगह हमने क्या कर दिया, के लिख दिया, है ना। तो फाइनली जो रेट लॉ आया वो कुछ इस तरीके से आया, रेट इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ CH3CO C2H5। अब देखो इसका ऑर्डर कितना है, 1, पहले हमें यहां क्या दिखाई दे रहा था 2, बट अब क्या है, 1 है, तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ऑर्डर इसका हकीकत में 1 होता है, समझ में आ गया। अब यदि मैं बात करूं इसकी मॉलिक्युलरिटी की, तो मॉलिक्युलरिटी कितनी होगी, चूंकि 2 मॉलिक्यूल है, है ना, तो मॉलिक्युलरिटी इसकी 2 ही होगी राइट, और ऑर्डर क्या होगा, 1 होगा, समझ में आ गया, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है। यदि इसका आपको दूसरा एग्जांपल लेना है तो ये केन शुगर यानी कि सुक्रोज, ठीक है, इसका हाइड्रोलाइसिस करो तब हमें ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिलेगा, तो पानी की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी जो कि अगेन कॉन्स्टेंट रहने वाली, तो इसका जो रेट लॉ होगा वो इस तरीके से लिखा जाएगा, के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज, सॉरी केन शुगर, ठीक है, इसकी पावर कितनी है 1, तो ऑर्डर कितना हो गया, 1, है ना। तो दिखने में लगता है कि सेकंड ऑर्डर है बट ऐसा हकीकत में नहीं है, समझ में आ गया, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है। तो एक बार मैं और इसको रिवाइज कर देता हूं, ध्यान से समझिएगा, है ना। तो हम कोई भी रिएक्शन लेते हैं A प्लस B और यहां पे प्रोडक्ट मिलता है C प्लस D, यदि इसकी कंसंट्रेशन 1000 मोल है इसके और इसका 1 मोल है और ये कांस्टेंट रहने वाली है राइट, पानी है मान लो तो ये कांस्टेंट रहने वाली है, तो इसका जो ऑर्डर आता है वो 2 के बराबर नहीं होता है, इसका ऑर्डर 1 के बराबर होता है, इसका जो रेट लॉ है वो R इज इक्वल टू K कंसंट्रेशन ऑफ A इस तरीके से लिखा जाता है। तो ये क्या हो जाता है हमारा, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। यदि आपसे सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के एग्जाम में एग्जाम्पल पूछे जाए तो आप 2 एग्जाम्पल अच्छे से दे सकते हो, आपके एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। पहला ये है कि इथाइल एसिटेट का हाइड्रोलाइसिस करते हैं, ठीक है, तो ये प्रोडक्ट बनता है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। दूसरा केन शुगर, केन शुगर किसको बोलते हैं, सुक्रोज को बोलते हैं, फॉर्मूले तो आपको याद होना चाहिए, ग्लूकोज फ्रक्टोज और सुक्रोज, ये मैंने कहां पे बताए हैं, बायोमोलिक्यूल्स वाले चैप्टर में अच्छे से इनको बताया गया है कि ग्लूकोज क्या होता है, फ्रक्टोज क्या होता है, सुक्रोज क्या होता है। तो जब आप सुक्रोज का हाइड्रोलाइसिस करते हो तब हमें ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिलता है, ठीक है। तो आई होप कि ये याद होगी यदि आपने बायोमोलिक्यूल चैप्टर पढ़ लिया होगा तो, ठीक है। तो 0 ऑर्डर फर्स्ट रिएक्शन में ये 2 एग्जांपल्स हैं जिनको आप एग्जाम में लिख सकते हो राइट। तो कोई भी क्वेश्चन आएगा आप उसको करके आ जाओगे। अब एनसीईआरटी में एक शानदार सा एग्जांपल दिया है, इस एग्जांपल को करने की कोशिश करते हैं, बहुत सिंपल सा, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। एग्जाम्पल 4.9, तो पहले इसको अच्छे से पढ़िएगा कि क्या चुनी में इसमें दिया हुआ है। तो यहाँ पे दिया है कि हाइड्रोलाइसिस ऑफ मिथाइल एसिटेट, तो सबसे पहले आपको तो फॉर्मूला पता होना चाहिए मिथाइल एसिटेट का, CH3C(OH), और यहाँ पर एसिटेट है और मिथाइल लगा हुआ है तो मिथाइल एसिटेट, ठीक है। एसिटेट में 2 कार्बन होते हैं और मिथाइल में 1 कार्बन होता है, तो समझ में आ गया। तो इसको यदि आप लिखोगे तो CH3COOCH3, तो ये हमारा क्या हो गया, मिथाइल एसिटेट हो गया।
तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसका हाइड्रोलाइसिस करते हैं। तो जब आपको पता है, जब हम इसका हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, यहाँ से इसको तोड़ दो, यहाँ एच आ जाएगा, यहाँ ओ एच आ जाएगा, है ना। इसका प्रोडक्ट भी आपको बनाना आना चाहिए, सी एच थ्री सी डबल वन ओ ओ एच प्लस ओ एच सी एच थ्री, ठीक है। जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिखा था ना, मैं आपको बता देता हूँ इस एग्जाम्पल को भी, कि इसका हाइड्रोलाइसिस करने के बाद क्या प्रोडक्ट आएगा। तो यहाँ पे क्या दिया है, इथाइल एस्ट्रेट दिया है, इथाइल एस्ट्रेट यानी कि सी एस थ्री सी डबल बॉन्ड ओ ओ और यहाँ पर सी टू एच फाइव, ठीक है। तो हाइड्रोलाइसिस आप करोगे तो यहाँ से इधर H आ जाएगा, इधर OH, पानी ऐड कर रहे ना, हाइड्रोलाइसिस का मतलब पानी को ऐड करना। तो इसका जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, सी एस थ्री सी ओ ओ एच और इधर क्या आएगा, ओ एच सी टू एच फाइव, ठीक है। तो आप देख सकते हो सी एस थ्री सी एस थ्री सी ओ एच सी ओ एच और इधर ओ एच सी टू एच फाइव, ठीक है। तो एक जगह एल्कोहल और दूसरी जगह एसिड, तो ये एस्टर का इस तरीके से हम हाइड्रोलाइसिस करते हैं, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके से क्या करते हैं, और ये तो हमें पहले से याद है, ठीक है। तो इसी तरीके से प्रोडक्ट क्या बनेंगे वो आप इजीली निकाल सकते हो यदि भूल जाओ तो। अब हम बात करते हैं कि इस क्वेश्चन में करना क्या है। तो हम मिथाइल एसिटेट का हाइड्रोलाइसिस कर रहे हैं कुछ सॉल्यूशन में, तो ऑफकोर्स वहां पर पानी तो बहुत ज्यादा होगा, है ना। और उसके बाद जो हमारा एसिटिक एसिड आ रहा है ना, सी एस थ्री सी ओ एच, ये क्या है, सी एस थ्री सी ओ एच हाइड्रोलाइसिस के बाद। तो इसका हम क्या कर रहे हैं, टाइट्रेशन कर रहे हैं, टाइट्रेटिंग कर रहे हैं किसके अगेंस्ट, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो कोई मतलब नहीं इसका। तो यहाँ पे क्या दिया, द कंसेंट्रेशन ऑफ द एस्टर एट डिफरेंट टाइम्स इज गिवन बिलो। तो फाइनली जो हमारा एस्टर है ना, हमारा जो रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट क्या था यहाँ पे, सी एस थ्री सी ओ ओ सी एच थ्री, राइट, और पानी के साथ इसको रिएक्ट करा रहे थे। तो दो रिएक्टेंट यहाँ पे दिए हुए हैं। तो इसकी इनिशियल कंसेंट्रेशन जब टाइम जीरो था तब इतनी थी, टाइम जब बढ़ता गया तो ये कुछ इस तरीके से घटती गई, ठीक है। अब यहां पर ये कह रहे हैं कि सो दैट इट फॉलो अ सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। आपको ये शो करना है कि ये जो रिएक्शन है वो सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, एज द कंसेंट्रेशन ऑफ वाटर रिमेंस नियरली कॉन्स्टेंट 55 मोल पर लीटर। और जो वाटर है उसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, 55 मोलरिटी है, मोल पर लीटर, ठीक है। और ये कह रहे हैं कि वाटर की कंसेंट्रेशन सेम रहने वाली है, कॉन्स्टेंट रहने वाली है। ऑफकोर्स इतना सारा पानी है और उसके अंदर छोटी सी रिएक्शन हो रही, क्या फर्क पड़ेगा, पानी की कंसेंट्रेशन थोड़ी ना घटेगी। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द रिएक्शन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के डैश इन दिस इक्वेशन। तो आपको के डैश की वैल्यू भी निकालना है और रेट कुछ इस तरीके से लिखी जाती है, ठीक है। तो अब क्वेश्चन क्या था और हमें कैसे क्या सॉल्व करना है, तो समझने की कोशिश कीजिएगा ध्यान से, है ना। हमें क्या क्या दिया हुआ है कि सी एस थ्री सी एच थ्री सी ओ ओ सी एस थ्री का हम हाइड्रोलाइसिस कर रहे हैं और हमें यहां प्रोडक्ट मिल रहा है एसिड एंड सी एस थ्री ओ एच। बट इसका जो इनिशियल कंसेंट्रेशन है टी इक्वल टू जीरो, है ना, तो इसको हम टेबल के फॉर्म में लिख लेते हैं। तो ये है इसका इनिशियल कंसेंट्रेशन टी जीरो पर कितना, इतना, जब टाइम 30 मिनट हुआ तब इतना हुआ, फिर इतना, फिर इतना, ठीक है। तो अब यदि हम इसका वो लिखना चाहें रेट लॉ, चूंकि हमें नहीं पता है ये फर्स्ट ऑर्डर है या सूडो फर्स्ट ऑर्डर है या सेकंड ऑर्डर है, ठीक है। तो आर जो होगा वो किस तरीके से लिखा जाएगा, के डैश कंसेंट्रेशन ऑफ सी एस थ्री सी ओ ओ एच सी ओ ओ सी एस थ्री एंड कंसेंट्रेशन ऑफ एच टू। अब इसकी कंसेंट्रेशन क्या है, सेम रहने वाली है, इसकी कंसेंट्रेशन क्या है, सेम रहने वाली है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो है के डैश और एच टू ओ, है ना, इसको क्या बोलते हैं, के इक्वल टू के डैश एच टू ओ, है ना। तो फाइनली जो हमारा रेट है वो किस तरीके से आ जाएगा, के एंड कंसेंट्रेशन ऑफ सी एस थ्री सी ओ ओ सी एस थ्री, ठीक है, लिख दिया, ठीक है। अब हमें ये पता है कि ये क्या है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, है ना। तो यहां से हम क्या निकालेंगे, के निकालेंगे, के निकालने का फॉर्मूला क्या पढ़ा था हमने, के इक्वल टू 2.303 अपॉन टाइम, और यहां पे आता था लॉग कंसंट्रेशन आर वन अपॉन आर टू, इनिशियल और फाइनल कंसंट्रेशन, ठीक है। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो के इक्वल टू 2.303, टाइम मान लो कितना है 30 मिनट, राइट, और यहां लॉग कंसंट्रेशन ऑफ आर वन यानी कि ये, तो ये कितना हो जाएगा 0.8500 और इधर ये 0.8004, ठीक है। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो किसके बराबर आएगा, ये इसके बराबर निकल के आएगा, है ना। ये क्या है 0.002004, ठीक है। अब दूसरा केस क्या करोगे, अब इनिशियल कंसंट्रेशन ये होगी, फाइनल ये होगी, टाइम 60 माइनस 30 यानी कि 30 ही रहेगा,
है ना, तब यहां पर क्या आ जाएगा, यहां ये आ जाएगा और यहां पर ये आ जाएगा, ठीक है। तो तब आप सॉल्व करोगे तब निकल के आएगा ये 0.002002। फिर जब आप इनिशियल कंसंट्रेशन की जगह ये आर वन की जगह ये रखोगे और आर टू की जगह ये रखोगे है ना, तब सॉल्व करोगे तब ये निकल के आ जाएगा 0.002005। आप क्या देख रहे हो, ये लगभग लगभग सेम कॉन्स्टेंट आ रहा है। क्या आ रहा है, इट कैन बी सीन दैट के एच टू ओ, हमने यहां पे देखो यहां पे भी के लिख दिया इन्होंने, यहां पे भी के लिख दिया, तो दोनों अलग अलग हैं, सेम नहीं है। ये क्या है, के डैश है, क्या है के डैश, ये क्या है के डैश। तो हमें के डैश निकालना है, तो सब्जेक्ट कर लेना, ठीक है, थोड़ी सी मिस्टेक है एनसीईआरटी में, राइट। अब देखो हमने क्या माना था, के इक्वल टू माना था के डैश एच टू ओ है ना, और ये सब्जेक्ट सेम है इधर, तो इट कैन बी सीन दैट के डैश एच टू इज कॉन्स्टेंट एंड इक्वल टू दिस 2.004 × 10²⁻³ पर मिनट एंड हेंस इट इज सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, वी कैन नॉट डिटरमाइन के फ्रॉम द दिस गिवन इक्वेशन, राइट। तो अब देखा हमने ये सब कॉन्स्टेंट है, तो ये क्या हमारा सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। अब हमारा एम है कि हमें के डैश निकालना है। अब आपको के पता है, के की वैल्यू कितनी है ये, तो के की जगह रख दो 0.002004 और कंसंट्रेशन ऑफ एस टू, कंसंट्रेशन ऑफ एस टू पता है हमें कितनी है 55, ठीक है। तो इसको डिवाइड दे दो इधर है ना, तो इधर आप 55 करोगे तो बेसिकली कितना निकल के आ जाएगा, के डैश इज इक्वल टू 0.002004/55। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे है ना, तो हमारा जो के डैश है वो निकल के आएगा 3.64 × 10²⁵, राइट। और जो यूनिट है वो आएगी मोल इनवर्स लीटर मिनट इनवर्स। अब सोचने वाली बात है कि ये जो के है इसकी यूनिट मिनट इनवर्स थी, और ये जो के डैश है इसकी यूनिट इतनी आ रही है, क्यों है ना। तो इसका रीजन ये है कि ये जो है ना के इज इक्वल टू, हमने क्या लिखा था, के डैश कंसंट्रेशन ऑफ वाटर है ना, तो यहाँ पर वाटर की कंसंट्रेशन आ रही थी जिसकी यूनिट कितनी थी मोल पर लीटर, और इस के की यूनिट कितनी आई थी 1 पर मिनट, राइट। तो जब आप इसको ले जाओगे इधर तो कितना होगा, लीटर पर मोल, यानी कि मोल इनवर्स, ये क्या होगा मोल इनवर्स लीटर और मिनट इनवर्स है ना, तो मोल इनवर्स लीटर मिनट इनवर्स, समझ में आ गया। तो इस तरीके से दोनों की यूनिट अलग अलग होंगी, के की यूनिट अलग होगी और के डैश की अलग होगी, सिंपल है, ठीक है। तो एक बार इस क्वेश्चन को फिर से समझने की कोशिश कीजिएगा कि किस तरीके से हमने सॉल्व किया है ना। तो यहां पर जो रिएक्शन है वो क्या है हमारी, जो रिएक्टेंट है CH3COOCH3 है, राइट। अब ये पानी के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो इसका रेट लॉ कुछ इस तरीके से होगा, क्योंकि पानी की जो कंसंट्रेशन है वो चेंज नहीं हो रही है, फिक्स्ड है, तो इसलिए हम के डैश इंटू कंसंट्रेशन एच टू ओ को क्या लिख सकते हैं, के बराबर लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि इसकी कंसंट्रेशन क्या है कॉन्स्टेंट है, तो ये ओवरऑल क्या हुआ, कॉन्स्टेंट हुआ, राइट। अब यहां से हम देखेंगे कि ये एक्चुअली में देख सेकंड ऑर्डर रहा था, बट सेकंड ऑर्डर नहीं है, ये क्या है फर्स्ट ऑर्डर है। तो यहां से हम क्या करेंगे, के को कैलकुलेट कर लेंगे इस फॉर्मूला से, R1 R2 रख के, तो हमारा जो के है वो कुछ इस तरीके से निकल के आ जाएगा 2.004 × 10²⁻³ है ना। तो जब हम तीन के से हमें निकालेंगे तो लगभग लगभग ये सेम आएगा, तो इससे हम क्या बोल सकते हैं, ये हमारी सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, ठीक है। अब चूंकि हमें के पता चल गया, हमें क्या निकालना है, के डैश निकालना है, तो हमने कौन सा फॉर्मूला लगा दिया, के इक्वल टू के डैश कंसंट्रेशन ऑफ एच टू ओ। चूंकि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, इसलिए यहां पर जो के की यूनिट आई वो पर मिनट फर्स्ट ऑर्डर के हिसाब से आएगी, राइट। तो यहां पर इसकी यूनिट क्या है, पर मिनट है, मिनट इनवर्स है, ठीक है। अब इसकी कंसंट्रेशन हमें कितनी पता है, 55 पता है, और इसकी के की वैल्यू हमें यहां से पता है, यहां पर रख के हम के डैश की वैल्यू निकाल लेंगे, वो आ जाएगी 3.64 × 10²⁵, राइट। बट यूनिट का क्या है ना, तो इन दोनों की यूनिट अलग अलग आएगी, क्योंकि ये जो है कंसंट्रेशन इसका इधर इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा, तो इधर क्या थी मिनट इनवर्स थी, और जो कंसंट्रेशन ये क्या है मोल पर लीटर है, तो जब आप इसको इधर ले जाओगे तो लीटर पर मोल हो जाएगी, यानी कि मिनट इनवर्स लीटर मोल इनवर्स, समझ आ गया। तो ये हमारी के डैश की यूनिट आ जाएगी, समझ आ गया, सिंपल है, ठीक है। तो आई होप ये सारी चीजें सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के बारे में आपको समझ में आ गई होंगी। अब हम चलते हैं इनटेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो एनसीईआरटी में दो इनटेक्स्ट क्वेश्चन दिए हुए हैं जिनको सॉल्व करते हैं, काफी आसान है, ध्यान से देखिएगा। पहला क्वेश्चन को डायरेक्ट यदि थोड़ा भी ध्यान नहीं देगा तो वो कंफ्यूज हो जाएगा, है ना। यहां पे क्या किया है, 4.5, अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हैज अ रेट कांस्टेंट दिस, एक पहले से उन्होंने दे दिया है कि रिएक्शन का ऑर्डर क्या है फर्स्ट है ना, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना है फर्स्ट, रेट कांस्टेंट दे दिया है कितना है ये के बराबर है। अब ये पूछ रहे हैं कि कोई भी रिएक्टेंट है आर, वो इनिशियली उसका जो अमाउंट है वो कितना था 5 ग्राम था, और फाइनल जो अमाउंट है वो कितना है 3 ग्राम। यहां पे देखो इनिशियल 5 ग्राम था, फाइनल कितना है 3 ग्राम, ठीक है। अब आपसे पूछा है कि टाइम कितना लगेगा, तो अब क्या करोगे आप,
क्योंकि आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है, याद है आपको, आपने जो फॉर्मूला पढ़ा था K=2.303 अपॉन टाइम लॉग, यहाँ पर कंसंट्रेशन आती थी इनिशियल है ना आर नॉट, और यहाँ पर कितनी आती थी फाइनल, समझ में आया। बट चूंकि यहां पर अमाउंट दिया हुआ है, कंसंट्रेशन नहीं दी हुई है, बट कोई यदि नहीं सोचता है डायरेक्ट यहां पर लिख देता है 5 और 3 है ना, इनिशियल अमाउंट इतना है 5 ग्राम और ये 3 ग्राम है, तब भी उसका आंसर सही आ जाएगा। बट एग्जैक्टली यहां पर हम कंसंट्रेशन यूज करते हैं, यहाँ पे पार्शियल प्रेशर, ये तो कंसंट्रेशन नहीं है ना, ये पार्शियल प्रेशर है, तब हम क्या करेंगे इससे कंसंट्रेशन निकाल लेंगे। तो कैसे निकाल लेंगे, तो हमारा जो रिएक्टेंट है आर, ठीक है, इसका 5 ग्राम दिया है इनिशियल और फाइनल कितना दिया है 3 ग्राम, तो आपको पता है हम इसके मोल निकालेंगे। मोल कैसे निकालेंगे, तो एन इक्वल टू कितना होगा 5 ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर मास, है ना, समझ में आ गया। और यहां पर जो एन फाइनल है वो कितने होंगे 3 ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर मास, तो एन इनिशियल और एन फाइनल हमारे क्या गया मोल आ गया। अब जो कंसंट्रेशन है वो क्या होता है, एन अपॉन वी, मोल अपॉन वॉल्यूम, है ना, तो इनिशियल कंसंट्रेशन हमारी कितनी आ जाएगी, इसके मोल, मोल कितनी है 5 अपॉन m और यहां पे वॉल्यूम, ठीक है। और सी फाइनल, फाइनल कंसंट्रेशन कितनी आएगी एन अपॉन बी, है ना, एन अपॉन बी, तो इनिशियल जो जो मोल है वो कितने 3 अपॉन m, यहां पे क्या है मॉलिक्यूलर मास, ये क्या है मॉलिक्यूलर मास, ठीक है मॉलिक्यूलर मास, समझना मॉलिक्यूलर मास, तो ये हमारा मोल हो गया। और वॉल्यूम कितना होगा वी, अब दोनों के केस में वॉल्यूम सेम रहेगा, है ना, पूरा सॉल्यूशन का वॉल्यूम है वो सेम रहेगा, और जो मॉलिक्यूलर मास है वो एक ही स्पेसीज है रिएक्टेंट, तो दोनों केस में मॉलिक्यूलर मास भी सेम रहेगा, तो यहां से क्या होगा ये दोनों टर्म कट जाएंगे एक्चुअली में जब आप इस फॉर्मूला में पुट करोगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं, तो K is equal to 2.303 अपॉन टी लॉग कंसंट्रेशन, इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी है ये 5 अपॉन m और देन वॉल्यूम, ठीक है, फिर इधर कितनी है ये लॉग में ही है सब, है ना, 3 अपॉन m वॉल्यूम, ठीक है, मॉलिक्यूलर मास और वॉल्यूम, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। तो फाइनली जो हमारी इक्वेशन आई वो कितनी आई, K is equal to 2.303 टी लॉग 5 अपॉन 3, सिंपल है। अब हमें क्या निकालना है, हमें टाइम निकालना है और रेट कांस्टेंट वहां पे दिया हुआ है, रेट कांस्टेंट कितना दिया हुआ है 1.15 × 10⁻³ पर सेकंड, राइट, तो इसको इधर ले आओ टाइम और इधर 2.303, ठीक है, के लॉग 5/3, के की वैल्यू रख दो यहां पे 2.303 कितनी है 1.15 × 10⁻³ लॉग 5/3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.2219, राइट। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो जो हमारा टाइम है वो निकल के आ जाएगा 444 सेकंड अप्रॉक्स, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, समझ आ गया। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, काफी सिंपल है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन उसमें दिया हुआ है, सेकंड क्वेश्चन 4.6, टाइम रिक्वायर्ड टू डिकम्पोज SO2Cl2 टू हाफ ऑफ इट्स इनिशियल अमाउंट इज 60 मिनट, समझ रहे हो ये क्या कह रहे हैं कि ये 60 मिनट है ये टाइम है। तो एक्चुअली यदि ध्यान से देखो ये क्या टाइम है, जब इनिशियल कंसर्न इनिशियल अमाउंट क्या हो जाता है हाफ हो जाता है, तो इनिशियल अमाउंट कितनी देर में हाफ हो रहा है 60 मिनट में, यानी कि ये जो टाइम हो गया है हाफ लाइफ, तो इसका जो हाफ लाइफ दिया है वो कितना है 60 मिनट, बस यही एक इंपॉर्टेंट चीज थी जो आपको पता लगानी थी। अब चूंकि हमें पता है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, आपको क्या बताना है कैलकुलेट द रेट कॉन्स्टेंट ऑफ द रिएक्शन, तो आप निकाल सकते हो, सिंपल है। चूंकि जब हमें हाफ लाइफ पता है और हमें के बताना है, तो एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था कि टी हाफ जो होता है वो क्या होता है 0.693/k, है ना, तो यहां से टी हाफ पता है हमें, तो के की वैल्यू निकल आएगी। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं कि कितनी आ रही है, कैसे निकल के आएगी, ठीक है। तो देखो हमें क्या दिया है, टी हाफ दिया है 60 मिनट, हमें रेट कांस्टेंट फाउंड करना है, और ये क्या है फर्स्ट ऑर्डर है, तो फर्स्ट ऑर्डर में जो हाफ लाइफ का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है टी हाफ इज इक्वल टू ln2/k, और इसकी ln2 की वैल्यू होती है 0.693/k, ठीक है, तो यानी कि टी हाफ हमारा कितना है 0.693k, यही है ना, तो k को इधर ले आओ टी हाफ को इधर ले आओ, तो K is equal to 0.693 और टी हाफ की वैल्यू कितनी दी है 60 दी हुई है, कितनी दी हुई है 60, ठीक है। आप इसको सॉल्व कर दो, है ना, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना निकल के आएगा 1.155 मिनट इनवर्स, तो ये हमारा क्या आ गया के निकल के आ गया। बाकी आपको कन्वर्ट करना है सेकंड में तो कर सकते हो,
अपर में कन्वर्ट करना है तो कर सकते हो। ठीक है, तो हमारा ये क्या हो गया, आंसर हो गया जो रेट कॉन्स्टेंट है वो कितना आएगा 1.155। ठीक है, अब हाँ तो हमारा जो 4.4 है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है और नेक्स्ट टॉपिक हमारा 4.5। तो जो 4.5 टॉपिक है टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ द रेट ऑफ अ रिएक्शन, राइट, तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। ओके, और नेक्स्ट वीडियो में हमारा केमिकल काइनेटिक्स कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि टोटल 4 पार्ट हो चुके, एक पार्ट और आएगा तो जिसमें हमारा केमिकल काइनेटिक्स पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा, राइट। तो 4.5 में हम पढ़ने वाले हैं अरहेनियस इक्वेशन के बारे में, ये क्या होती है और किस तरीके से टेम्परेचर पर हमारा रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है, तो वो सारी चीजें हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो एक बार इसको रीड करके आइएगा क्योंकि काफी थ्योरी इसमें दी हुई है, देख रहे हो आप, ये थ्योरी 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 का सारी चीजें हैं, चूंकि एक फॉर्मूला है उसका और ग्राफ वगैरह है तो उसका पूरा इन्होंने एनालिसिस और उसके बारे में यहाँ पे लिख दिया है लैंग्वेज में। ठीक है, तो वो सारी चीजें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। ओके, तो एक बार रीड करके जरूर आइएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टाटा, टेक केयर।